गुरुवार को गोंडवाना संरक्षण संघ जबलपुर और अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल गोंडवाना चौक में संपन्न हुई, जिसमें 18 सितंबर को गोंडवाना राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की 166 बलिदान दिवस को मनाने पर व्यापक चर्चा की गई। आज हम सब भाई गोंडवाना समाज के लोग एकत्रित हुए। सबसे पहले हमारा एक ही सभी समाज के लोगों से निवेदन है कि हम सबको संगठित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये धरती हमारी है, गोंडवाना साम्राज्य है, जिसमें हम लोग अगर छितर बितर रहेंगे तो हम लोग अकेले रह जाएंगे, कभी अपने जीवन के जो लक्ष्य को प्राप्त करना वो नहीं कर पाएंगे। चाहे राजनीतिक पार्टियाँ तो जितनी भी हैं वो हमको आकर्षित करने के लिए हमको बुलाती हैं, बाकी हमारे उतना वो नहीं करते, लेकिन जरूरी फिर भी ये जरूरी है कि हमको अपना संवैधानिक अधिकार अगर चाहिए तो राजनीति में भी रहना पड़ेगा, अन्यथा हम अपने क्या नाम है इसका अधिकार को वास्तव तरीके से मांगना क्या छीन नहीं सकते। मांगने का तो कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारा तो खुद का ही है। आज बड़ा गोंडवाना संरक्षित है और अन्य हमारे जबलपुर में आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं, उनकी अति आवश्यक बैठक बलिदान दिवस कार्यक्रम 166वां बलिदान दिवस राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का, जिसका आयोजन 18 दिसंबर 2023 को किसी स्थान पर होना है, उसके लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी संगठनों ने एक राय से इस बात का निर्णय शासन से निवेदन करने का काम किया कि इस वर्ष के कार्यक्रम में जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है मोहम्मद महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनको आमंत्रित किया जाए। तो इस प्रकार का प्रतिवेदन बना के हमने जो हमारा प्रशासन है कच्चे महोदय के द्वारा उसको भेजने का भी काम किया।